अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम। तो बाद रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज जो है हम कुरान मजीद की एक सूरत सूरह नाज़ियात जो कि सूरह नंबर 79 है। सूरह नाज़ियात ये कुरान मजीद की 79 नंबर की सूरत है और इसमें जुमला 46 यानी टोटल 46 इसमें आयात है। ये 30वें पारे की दूसरी सूरत है, सेकंड नंबर का चैप्टर है, 30 पार्ट का। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज इसकी तफसीर जो है पढ़ेंगे और इसके अंदर हमारे लिए क्या दर्स है, क्या लेसन्स है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी उस एक ईश्वर ने हमारे लिए इसमें क्या मैसेज और क्या पैगाम रखा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसे यहाँ पर जो है आज कोशिश करेंगे सीखने की। चलिए, सूरह नाज़ियात जैसे मैंने आपको बताया 79 नंबर का चैप्टर है कुरान का और इसके अंदर जो है 46 यानी 46 आयतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर सबसे पहले जो बात कही वो है वन्नाज़िआति गर्क़ा। कसम है उन फरिश्तों की जो सख्ती से डूब कर खींच के निकालने वाले हैं। यहाँ पर इस सूरत का जो नाम है नाज़ियात, इसको कहते हैं सख्ती से निकालना। और ये जो क्वालिटी है, ये जो सिफत है, ये फरिश्तों की सिफत है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की उस क्वालिटी या उस काम या उस कारकर्दगी या उनकी उस ड्यूटी का यहाँ पर जो है जिक्र किया है, जो फरिश्ते जिनको मलिकल मौत कहते हैं, जो लोगों की जो है रूह निकालते हैं। हम जानते हैं कि एक इंसान के जिस्म के अंदर एक रूह होती है और इसका तस्वुर, इसका जो कंसेप्ट है, आप देखते हैं सभी धर्मों में, रिलीजन्स में इसका डिस्कशन आता है, आत्मा के नाम से, सोल के नाम से, या अलग अलग तरीके से उसको बयान किया जाता है। लेकिन ये और बात है कि सब जगह मिस इंटरप्रिटेशन और करप्शन और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप देखेंगे उसमें सही से तस्वीर सामने नहीं आती है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फरिश्तों की। तो फरिश्ते, ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान की रूह को निकालते हैं। रूह को निकालने से मुराद ये है कि इंसान के मौत का वक्त है, जब इंसान की रूह निकाल दी जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है और इसके बाद एक वो दूसरी दुनिया में कदम रखता है जहां उसका हिसाब और किताब का सिलसिला शुरू होने वाला है। और ये बात हम पहले भी सूरतों में देख चुके हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कसम खाई, और इससे पहले भी हम ये डिस्कशन कर चुके हैं और इसके ताल्लुक़ से इल्म हासिल कर चुके हैं, नॉलेज गेन कर चुके हैं कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो इसका बताने का मतलब होता है कि आगे जो बात आने वाली है वो निहायत ही अहम है। 100% 100% वो सही है और हर इंसान को इस पर जो यकीन करना चाहिए या इंसान को यकीन दिलाने के लिए ये बात यहाँ पर कसम खाकर जो है बताई जाती है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कहा वन्नाज़िआति गर्क़ा, कसम है डूबकर सख्ती से खींचने वालों की। वन्नाशिताति नश्ता, और जो बंद खोलने वाले हैं आसानी से खोलने के साथ। वस्साबिहाति सबहा, जो तैरने वाले हैं और तेज़ी से तैरना उनका। यहाँ पर ये 3 आयतें जो है ये इस बात की दलील है, रेफरेंस है, जिसको इमाम तिबरी ने जो है तफसीर तिबरी में इसको लिखा है, और हज़रत इब्न अब्बास और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन ने इस रिवायत को बयान किया है। और नासिरुद्दीन अलबानी शेख रहमुल्लाह ने जो है इसको कहा कि ये सही है, उसकी तस्दीक की है। तो यहाँ पर जिस हदीस में जो बात बयान की जा रही वो ये है कि वो फरमाते हैं रिवायत में, हदीस में इस तरह से है कि जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो एक फरिश्ता यानी मलकुल मौत उसके सर के पास आकर बैठ जाता है और उस बंदे की रूह को निकालता है। अगर वो शख्स, वो बंदा, वो इंसान जिसकी रूह निकाली जा रही है, अगर वो नेक है, अल्लाह पर ईमान रखता था, अच्छे कर्म करता था, बुराइयों से बचता था, तो वो फरिश्ता आकर उससे कहता है कि ए पाक रूह, मतलब एक पायस सोल, ए पाक रूह निकल जा अपने रब के हुक्म की तरफ से और चल अपने रब की तरफ। और उसकी रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे मशकीज़ा जो होता है, जिसमें पानी हम भरते हैं, जो हम जानते हैं जो कपड़े वगैरह का तैयार होता है, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था पानी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, तो उसमें से जिस तरह आसानी से पानी टपकता है, कहा कि एक मोमिन की रूह, एक ईमान वाले की रूह जो अल्लाह पर यकीन रखता है, ऐसे ही निकलती है जैसे कतरा उस मशकीज़े से बाहर निकलता है, पानी का ड्रॉप जो निकलता है। और जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है और बुरे कर्म करता है, गुनाहों में लिपटा हुआ है, नेकियों से दूर है, तो उसको वो मलकुल मौत यानी वो फरिश्ता कहता है ए खबीस रूह, उसमें से तू बाहर निकल, ए नाफरमान डिसओबीडियंट सोल, चल अपने रब की नाराज़गी की तरफ, मतलब तेरा रब तुझसे नाराज़ है, वो तुझसे खफा है। यानी बात की जा रही है कि उसको अब यहाँ से एक कठिन रास्ते का सामना तय करना है, एक मुश्किल रास्ते से उसको गुजरना है। इस दुनिया के बाद जो दुनिया है वहाँ पर उसको सज़ा दी जाएंगी, पनिशमेंट, एक यातना का उसको सामना करना है। तो वो फरिश्ता कहता है कि ए बदरूह, खबीस रूह, बैड सोल, चल बाहर निकल जा, अब यहाँ पर जो है तेरा सामना जो है होने वाला है इस रास्ते की तरफ, इस बुराई की तरफ, माफ़ कीजिएगा, उस जो है कठिन रास्ते की तरफ जो यातना वाला है, पनिशमेंट वाला है। तो यहाँ पर ये बुरी रूह को यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है। और उस रिवायत में आता है कि उसकी रूह ऐसी निकाली जाती है जैसे किसी गर्म सलाख के ऊपर गीली ऊन, कॉटन को रख दिया जाए और उस सलाख को खींच दिया जाए, उस कॉटन, उस जो है उस ऊन का क्या हाल होगा आप सब जानते हैं। एक तो सलाख और ऊपर से गर्म, वो उसको पूरे तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देंगी। तो उस तरह से उस तकलीफ़ होती है उस रूह को जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती है, जो बुरे कर्म करके इस दुनिया से जाते हैं। तो ये मामला रूह का हुआ, लेकिन इस रिवायत के ताल्लुक़ से मुफस्सरीन ने लिखा है लेकिन जो जिस्म की रूह तकलीफ़ है वो मोमिन और काफिर दोनों को बर्दाश्त करना पड़ती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौत की सख्ती से दुआ मांगा करते थे और मोमिनों को भी आपने ये दुआ सिखलाई। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर कहा जो बंद खोलने वाले हैं आसानी के साथ, मतलब जिस तरह से गांठ, एक नॉट, एक गीट को हम खोलते हैं तो मोमिन की रूह उतनी आसानी के साथ वो फरिश्ते निकाल लेते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता है। और जो तेज़ी से तैरने वाले हैं, यानी ये काफिर, बेईमान, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, उनके जिस्मों में जाकर ये फरिश्ते रूह को तैरकर इस तरह से निकालते हैं कि वो उसके कोने कोने से और जो है जिस्म के अलग अलग हिस्सों से खींचते हुए बाहर निकालते हैं, जिससे उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये रहा जो है फरिश्तों का मामला जो रूह निकालते हैं। फिर आगे फरमाया फस्साबिक़ाति सबक़ा, फिर जो आगे निकलने वाले हैं और आगे बढ़कर निकलते हैं। यहाँ पर उन फरिश्तों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को तेज़ी के साथ, बिना किसी सवाल के, बिना किसी चाँचू के वो उससे जो है बजा लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी फ़रिश्ते एक ऐसी नस्ल है, जैसे हम इससे पहले देख चुके हैं, अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई, दुनिया में बहुत सारी मखलूक है इस कायनात में, यानी क्रिएचर्स जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अल्लाह ने बनाया है। इंसान है, जानवर है, मछलियाँ हैं, परिंदे हैं, और भी बहुत सारी दीगर मखलूक है जिनको गिनना नामुमकिन जैसा है। और वैसे ही अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास मखलूक का जिक्र कुरान में किया, जिसमें से एक इंसान है जिनको अशरफुल मखलूक कहा गया, यानी बेस्ट ऑफ क्रिएचर। और इसी तरह जो है जिन जो आग से बने हुए हैं, हम मिट्टी से बने हैं, और जिन जो आग से बने गए हैं, और इसी तरह फरिश्ते जो लाइट यानी नूर से बनाए गए हैं। तो यहाँ उन फरिश्तों का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया है, एंजल्स को बनाया है। इनके डिफरेंट ड्यूटीज़ है, ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह ताला के साइंस में से है। वरना अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो ख़ुद ही सारे काम कर ले, सारे काम अंजाम तक पहुँचा दे, पूरे कंप्लीट उसको जो है उसके एंड तक पहुँचा दे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बतौर निशानी इन फरिश्तों को रखा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। ये एंजल्स जो हवाओं में उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का जो रास्ता है, ये बहुत ही कम वक्फे में, बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तेज़ी से दौड़ते हैं अल्लाह ताला के हुक्म को मानने के लिए। फरिश्ते ऐसे होते हैं, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं। अल्लाह के हुक्म ऑर्डर के बग़ैर ये पत्ता भी नहीं हिलाते हैं। जैसे इंसानों को और जिनों को अल्लाह ताला ने छूट दी है कि ये अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। अच्छाई का रास्ता चुनोगे तो जन्नत यानी स्वर्ग में जाओगे, बुराई का रास्ता चुनोगे तो नर्क यानी जहन्नम में जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने चॉइस दी, अच्छा और बुरा रास्ता बता दिया। लेकिन फरिश्ते जो है वो सिर्फ अच्छे ही काम करते हैं, बुरे काम नहीं करते, डिसओबीडियंट नहीं हैं। तो वो यहाँ पर उनकी एक खूबी, उनकी एक क्वालिटी बताई जा रही है कि दौड़ कर अल्लाह ताला के ऑर्डर को मानते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं करते हैं। रूह भी निकालेंगे तो वो नहीं सोचते रूह किसकी है, अल्लाह ने हुक्म दिया है बस निकालना है। फल मुदब्बिराति अमरा, फिर हर काम की तदबीर करने वाले, अल्लाह ताला जो उनको काम कहता है उस काम की वो तदबीर करते हैं। उस प्लान को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और उसको पूरा कंप्लीट कर कर वो है लौटते हैं। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन सख्त हिला डालने वाली हिला डालेंगी, यानी जलजले का यहाँ पर जिक्र किया गया है। रजफा ये कहते हैं किसी चीज़ को सख्ती के साथ शेक कर देना, हिला देना। तो क़यामत के बारे में जैसे हम पिछले सूरतों में भी देख चुके हैं, क़यामत जब आएंगी तो ज़मीन को पूरी तरीके से झंझोड़ दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा। ये जलजला आएगा, जैसे हमने सूरह ज़लज़ला में इसको देखा था, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ये ऐसा जलजला होगा कि पूरी तरीके से पूरी ज़मीन को हिला देगा। हम दुनिया में जो जलजले देखते हैं, अर्थक्वेक, ये छोटे छोटे इलाक़ों में आते हैं। क़यामत का जो जलजला रहेगा पूरी दुनिया को हिला डालेगा। तो उसी का यहाँ पर डिस्कशन फिर से आ रहा है। तत्बउहा रादिफा, इसके बाद साथ ही पीछे आने वाले जो आएंगी, यानी जलजले का ही जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, कई दिल इस दिन धड़कने वाले होंगे। मतलब वो खौफ, वो परेशानी, वो आलम, वो इन्वायरमेंट जब वो देखेंगे कि ज़मीन सख्ती से हिला दी गई है, लोग ज़िंदा होकर ज़मीन में से बाहर निकल रहे हैं, तो ये एक इंसान के लिए बड़ा ताज्जुब और बहुत ही अचंभे वाली चीज़ होंगी। और उसे फिर वहाँ यकीन आएगा कि ये वो दिन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने अलग अलग अंबियाओं, नबियों, मैसेंजर, इश्दूत के ज़रिए से हम तक मैसेज पहुंचाया, लेकिन हमने उसको नहीं माना था। तो उस दिन दिल धड़कने वाले होंगे, लोग परेशान होंगे। अब सारुहा खाशिया, इनकी आंखें झुकी हुई होंगी। डेफिनेटली एक इंसान ने जो गुनाह के काम किए हैं, जो बुराई के काम किए हैं, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह का इनकार जो किया है, अब उनको समझ में आएगा कि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया में तो मजाक उड़ाते थे जब हमें कोई एक अल्लाह के बारे में बताता, कोई हमें अच्छाई के बारे में बताता, तो हम उसका मजाक बनाते, अपनी अना पे अड़े हुए थे। दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, रिश्तेदारों की, अपनों की मोहब्बत, और अपने रुतबे, स्टेटस, उसकी मोहब्बत, ये तमाम चीज़ों ने उनको अंधा कर रखा था। लेकिन अब वो जैसे ही देखेंगे सामने क़यामत आ चुकी है और जो जो बात कही गई थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, उनकी आंखें नीचे झुकी होंगी, वो नादिम होंगे, पश्चाताप करना चाहेंगे, लेकिन अब इस दिन तौबा कबूल नहीं होगी। क़यामत की जब निशानियाँ आ जाएंगी, बड़ी निशानियाँ, एक इंसान जब उसको देख लेगा कि अब क़यामत आने वाली है, अगर वो उस टाइम रिपेंट करना चाहे, तौबा करना चाहे कि जो जो मैंने किया गलत किया था वापस मैं लौटता हूँ, तो उस वक्त उसकी तौबा एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इंसान को अपनी मौत से पहले और क़यामत की बड़ी निशानी आने से पहले और अल्लाह का अजाब, जो अल्लाह ताला का चेस्टाइजमेंट, पनिशमेंट जो अल्लाह ताला दुनिया में भी भेजता है, जो जल्जलों की शक्ल में और दीगर आफतों की शक्ल में आते हैं, इन तीन चीज़ों से पहले अगर कोई तौबा कर ले तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है। वरना इन तीन चीज़ों के आ जाने के बाद, यानी मौत करीब आ जाने के बाद, अजाब आ जाने के बाद और क़यामत की बड़ी निशानी आ जाने के बाद उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएंगी। तो आंखें झुकी होंगी, यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा, ये लोग कहते हैं कि क्या बेशक हम यकीनन पहली सी हालत में लौटाए जाएंगे। मतलब ये मजाक उड़ाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस ज़माने के जो काफिर थे, जो इनकारी थे, एक अल्लाह एक ईश्वर का नहीं मानते थे, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर बताते कि क़यामत आने वाली है, एक दिन सबको मरने के बाद उठना है, हिसाब देना है, अकाउंटेबिलिटी है, तो वो लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। तो वो बोलते थे हम फिर से दोबारा कैसे बनाए जाएंगे, हम मिट्टी में चले गए, हड्डियाँ हो गए, हमारी जिस्म ख़त्म हो चुका है, अब हड्डियां जब हो जाएंगे दोबारा कैसे उठाए जाएंगे। हालांकि इसको हम पहले वाली सूरतों में भी देख चुके कि अल्लाह ताला ने कई बार कुरान में कहा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम पैदा करना, यानी एक ड्रॉप से, वो ज़्यादा हार्ड था, या हड्डियों से दोबारा तुमको पैदा करना ये हार्ड है। अरे भाई, आसान कौन सा काम है। फर्स्ट टाइम जो चीज़ बनाई जाती है वो मुश्किल होती है, उसी चीज़ को दोबारा अगर बनाना हो तो कंसेप्ट है, बनाया जा सकता है। दुनिया में सिंपल सा उसूल है, रूल है। तो अल्लाह ताला ने जब आपको एक छोटे से ड्रॉप से, कतरे से आपको पैदा किया, माँ के पेट के अंदर बनाया इतना खूबसूरत, और आपको दुनिया में निकाला, फिर बड़ा किया, जिस्म को ताकत दी, क्या हम गौर नहीं करते किस तरह एक मजबूत जिस्म दिया, फिर बुढ़ापे की तरफ अल्लाह ने ले गया। देखिए, इशारा भी हो जाए इंसान को कि एक दिन वापस जिस तरह से नशोनुमा हुई, ग्रोथ हुआ, कि छोटे से बड़े हुए, बड़े से ताकतवर इंसान और जिस्म आपका तैयार हुआ, फिर कमज़ोरी की तरफ आप बड़े बुढ़ापे की तरफ, और फिर मौत आपको आ गई। तो अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में बार बार कि फ़र्स्ट टाइम तुम्हारा बनाना आसान था या सेकेंड टाइम बनाना आसान है। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला कादिर है, कुदरत रखता है, वो आपको दोबारा पैदा करेगा, फिर से हड्डियों से आपको ज़िंदा करेगा और खड़ा किया जाएगा और हिसाब किया जाएगा। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, क्या हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे तब। वो लोग इस तरह से मजाक उड़ाया करते थे। क़ालू तिलका इज़न कर्रतुन खासिरा, इन्होंने कहा कि ये तो वक्त खसारे वाला होगा। बोलने लगे अगर रियल में ऐसा हुआ, वो जो इनकारी थे वो बोलने लगे अगर रियल में ऐसा हुआ कि फिर से उठाया जाना होगा तो ये तो बहुत नुकसान वाली बात होगी ना, कि हमने तो अच्छे काम किए ही नहीं, गुनाह वाले काम किए, अल्लाह का इनकार किया, तो ये तो बड़ा खसारे वाला, मतलब बहुत ही लॉस वाला ये मामला होगा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, बस वो तो सिर्फ़ एक ही डांट होंगी। यहाँ पर डांट से मुराद जो है वही क़यामत का नफ़का है, जिसको वो सुर कहा जाता है। सुर यानी जो आवाज़ लगाई जाएगी, एक किस्म का साउंड होगा, ये फ़रिश्ता एक आवाज़ निकालेगा क़यामत से पहले, जिससे सारे इंसान मर जाएंगे। दूसरा एक साउंड आएगा, दूसरा एक नफ़का, एक सुर फूका जाएगा, सारे इंसान फिर से ज़िंदा किए जाएंगे और हिसाब और किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फ़ाइज़ा हुम बिस्साहिरा, बस एक लख्त वो ज़मीन के ऊपर मौजूद होंगे, सब लोगों को जमा किया जाएगा। अब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है, आयत नंबर 15, वर्स नंबर 15 से। अब अल्लाह ताला ने कहा हल अताका हदीसु मूसा, क्या तुम्हें मूसा के बारे में पता चला है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए, रिवेलेशन के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए ये बात बता रहे, क्या तुम्हें मूसा के बारे में खबर पहुंची कि मूसा कौन था, मूसा कौन था। फ़िरौन, माफ़ कीजिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम उसी ज़माने में थे। तो अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि फ़िरौन कौन था, तुम्हें क्या फ़िरौन के बारे में नहीं, माफ़ कीजिए, हल अताका हदीस मूसा, क्या तुम्हें मूसा की खबर मिली है। कि मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी थे, एक प्रॉफेट थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप ही की तरह एक नबी थे, वो इस आपके पहले जो है गुजर चुके, इस दुनिया में आए थे। फिरौन के पास अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। तो मैं मुख्तसर से शॉर्ट में आपको बता दूं, वैसे ये और भी तफसीर में आएगा आगे कि फिरौन कौन था और मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे। देखिए फिरौन ये बादशाह था, किंग था, और फिरौन जो है यानी फ़ैरो ये एक किंगडम था, एक किंगडमशिप थी। जैसे हम देखते हैं मुग़ल्स इंडिया में, तो वैसे फिरौन एक के बाद एक, मुग़ल जिस तरह एक के बाद एक फिरौन आते थे। लेकिन जो रैमसीज़ था यानी जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन होने वाला है, जो फिरौन जो था जिसको 9वां फिरौन भी कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है सीक्वेंस उनका क्या था, लेकिन ये एक बादशाह था फिरौन। तो फिरौन का जो हिस्ट्री में आता है वो तकरीबन जो है ईसा अलैहिस्सलाम से 1200-1300 साल पहले की बात है। इसने बड़ा जुल्म किया लोगों पर, टायरन बादशाह था, जालिम बादशाह था। इसकी टायरनी से, इसके जुल्म से लोग परेशान थे। तो फिरौन यहाँ तक कि उसने अपने आप को खुदा होने का दावा किया था कि मैं गॉड हूँ। वो किंग था, उसके अंडर में बहुत सारे लोग थे, तो उसको ऐसा फील होने लगा कि वो गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी से भी कुछ भी ले सकता है। और बहुत बड़ी उसकी सल्तनत, उसका किंगडम था, बहुत सारे गोल्ड सिल्वर ख़जाने बहुत सारे उसके अंडर में थे। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा था, दिया था, लेकिन वो घमंड और अकड़ में आ गया और अपने आप को खुदा कहने लगा। उसके महल में बहुत सारे जादूगर भी थे जो बहुत सारे ट्रिक्स बताया करते थे, जिससे लोग उससे डरा भी करते थे। तो फिरौन ने, जो कि 1200 BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले की बात, कि उसने ये उधम मचा रखा था, ये उसने जो है एक लोगों में भय डाल कर रखा था और अपने आप को खुदा होने का, गॉड होने का दावा करता था। तो उसके बारे में अब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले एक ऐसा बादशाह गुजर चुका है और उस ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था नबी बनाकर, जैसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको यहाँ पर अरब में भेजा है। तो हल अतक हदीस मूसा, क्या आपके पास मूसा की बात पहुँची है? इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ, जब इसके रब ने इसे मुक़द्दस वादी तुआ में पुकारा। तुआ एक मकाम है, एक प्लेस है, और जो तूर सीना ये एक इलाक़ा है जो मदयन में आता है। मदयन आप इंटरनेट पर डालिए, देखिए मदयन सिटी। तो मदयन सिटी वो शहर है जो तकरीबन जो है सऊदी अरब से कुछ जो है माइल्स पर की दूरी पर है और रेड सी के करीब है। मतलब सऊदी अरब और रेड सी के दरमियान में ये जो है मदयन एक इलाक़ा है, उस ज़माने में जो उसको कहा जाता था मदयन। तो वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, उनके बारे में हम किसी दिन और डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे कि वो वहाँ से क्यों गुज़रे, क्या वाक़या था। अभी हम उसको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रे तो अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ लगाई। यहाँ पर उसका जिक्र आया है और सूरह तहा में भी इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको बुलाया, उनको आवाज़ लगाई और उनको बुलाकर कहा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, फिरौन के पास जाओ, यकीनन उसने वो हद से बढ़ गया है, लिमिट्स क्रॉस कर दी है, अपने आप को गॉड कहने लगा है। इसका डिटेल आएगा सूरह तहा के अंदर इंशाल्लाह, हम तब उसको देखेंगे, या मूसा अलैहिस्सलाम की सेपरेट हम स्टोरी एक बार देखेंगे कि क्या वाक़या था, हिस्ट्री में सीरत में क्या मिलता है। तो कहा कि फिरौन के पास जाओ, उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है उधम मचा रखा है, अपने आप को खुदाई का दावा कर रहा है, गॉड कह रहा है अपने आप को, जाकर उसको समझाओ। असल में सूरह तहा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया। जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, वैसे मूसा अलैहिस्सलाम को इजिप्ट, मिस्र की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था, मैसेंजर, कि अल्लाह ताला की रिवलेशन मूसा अलैहिस्सलाम तक आती, फरिश्ता लेकर आता और मूसा अलैहिस्सलाम फिर वो बात लोगों को कहते कि अल्लाह कौन है। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने कहा कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जाओ और उसको समझाओ। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। जैसे कुरान मजीद में सूरह तहा और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने कहा वक़ौलु लय्यना, और जाओ उसको नरमी से समझाओ, प्यार से समझाओ। जैसे यहाँ पर आया है कि फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का, बस कह किया तुझे इस बात की कोई रगबत, और कह उसको कि क्या तुझे इस बात की मैं रगबत दिलाऊं और तुझे पाक करूं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहा है कि आपको जाकर उसे ऐसा कहना है कि क्या मैं तुझे बात बताऊं उस अल्लाह के बारे में, उस एक ईश्वर के बारे में, और तुझे पाक करूँ मतलब पायस बनाऊं, यानी तुझे शिर्क की गंदगी से, जो तू अपने आप को खुदाई का दावा कर रहा है, अल्लाह को भूल बैठा है, उस बुराई से निकाल कर इस अच्छाई की तरफ लेकर आऊं और तुझे पाक साफ करूं, यानी तुझे नेक बनाऊं। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा और उसको बड़े प्यारे अंदाज से और नरमी से पहले समझाया, वो नहीं माना। वो अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और मैं तेरे रब की तरफ से तेरी रहनुमाई करूँ बस तू डर जा। फिर आकर कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ तेरे पास तुझे गाइड करने के लिए, तुझे सच्चा रास्ता बताने के लिए, बस तुझे चाहिए कि तू अल्लाह का डर अपने अंदर रख। क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं था, तो कहा कि तू अल्लाह से डर, अल्लाह ताला वो है जिसने सबको बनाया है, तेरी तो इतनी सी बादशाहत है, इतना सा ही मुल्क है, पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, तो उसको अल्लाह से डरने के लिए कहा। फ़अराहुल आयतल कुबरा, चुनाचा इसने इसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई। अल्लाह ताला को मालूम था कि बिना निशानी के कौम मानने वाली नहीं है, फ़िरौन मानने वाला नहीं है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को चंद निशानियाँ, कुछ साइंस देकर अल्लाह ताला ने भेजा। हर नबी को अल्लाह ताला ने, हर मैसेंजर को कुछ ना कुछ साइंस भेजी ताकि लोग माने। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नाइन साइंस दिए गए थे, जिसमें से एक ये थी कि वो अपना हाथ अपने बगल में डालते और उसको बाहर निकालते तो वो रोशन हो जाता, चमकदार, चमकने लगता। इसी तरह आपकी जो आसा था, यानी जो लकड़ी थी आपकी, जिसको आप इस्तेमाल करते थे झाड़ियाँ पर पत्ते वगैरह तोड़ने, जानवरों को हकालने वगैरह के लिए, उस लकड़ी को, उस आसा को जब आप डालते नीचे तो वो सांप बन जाता, एक बड़ा सांप। तो ये निशानी के तौर पर था, कोई जादूगिरी नहीं थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको निशानियां दिखाई, तब भी वो नहीं माना। फकज़्ज़ब वअसा, तो इसने झुटलाया, नाफरमानी की, मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, बोलने लगा तुम जादूगर हो, मैं तुमको नहीं मानता, ये सब मैं नहीं मानता, ये अल्लाह की निशानी है। सुम्मा अदबरा यसआ, फिर वापस पलटा और दौड़ भाग करने लगा, वापस पलटा दौड़ भाग करने लगा फ़िरौन। इसका मतलब क्या है, वो मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में एक्टिविटीज शुरू करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंककर सांप बनाकर उसको बताया तो कहा ये तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। सूरह तहा में इसका डिस्कशन आएगा। उसके जादूगर आए जो एक्सपर्ट थे, बड़े माहिर थे जादूगर, वो जादूगरों ने भी अपनी रस्सियाँ फेंकी, वो भी सब सांप बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, परेशान होने लगे। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा डरो मत, अपना आसा फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, वो भी सांप बन गया। और उन रस्सियों, जो रस्सियाँ जादूगरों ने फेंकी थी, जो सांप बन चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा फेंका था, जो सांप बन चुका था, उन रस्सियों को निगल गया, उन सांपों को निगल गया। तो जो जादूगर थे, जो मैजिशियंस थे, जो कि फ़िरौन की साइड से थे, वो फ़िरौन की तरफ से थे, लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने कह दिया हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर, हम ईमान लेकर आए अल्लाह पर। वो मुसलमान हो गए, वो ईमान वाले हो गए जादूगर। अब आपको इसमें एक बड़ी ताज्जुब की बात दिखेंगी, एक हैरत अंगेज बात दिखेंगी, आपको थोड़ा सा शौक लगेगा कि जादूगर जो कि पक्के कुफ्र पर थे, फ़िरौन के साइड से थे, ये जितना कुछ हुआ कि रस्सियाँ फेंकी जादूगरों ने, वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा, लकड़ी फेंकी, वो भी सांप बन गया। वो सांप जो है उन रस्सियों को निगल गया। जब जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी तो सांप बने थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए। फ़िरौन देख रहा है, सबको वो रस्सियाँ और वो लकड़ी सांप नज़र आ रही है, जादूगर लेकिन सबसे पहले ईमान लाए। मूसा अलैहिस्सलाम के उस सांप ने जब सारी रस्सियों को निगल गया, सारे सांपों को निगल गया, सबसे पहले ईमान यानी अल्लाह पर कलमा किसने पढ़ा? जादूगरों ने। रीज़न क्या था? क्योंकि जादूगर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, उनको ये डिफरेंस मालूम था कि जादू क्या होता है और मौजिज़ा क्या होता है। मौजिज़ा उसे कहते हैं जो ऐसी एक्टिविटी जो एबनॉर्मल होती है, जो आम फिज़िकल लॉज से हटकर होती है, जो नबियों को अल्लाह ताला देता है। ये लोगों को लुभाने, अट्रैक्ट करने, पैसा कमाने, दुनिया कमाने, हाँ, बादशाह बनने के लिए नहीं करते थे। ये नबियों की ज़िंदगी आप देखिए, सब गुरबत में गुजरी है, किसी ने कभी महल नहीं बनाया, ना पैसा कमाया, ना उससे लोगों से वाहवाही चाहिए, कुछ नहीं, उनकी ज़िंदगी हमेशा सादा रही। लेकिन वो मौजज़े जो उनके हाथ से होते थे, अल्लाह जो करवाता था, उसका मकसद था कि लोग अल्लाह की तरफ आए, पहचाने कि ये अल्लाह का नबी है, कोई आम इंसान नहीं है। तो जादूगर समझ गए कि ये मौजज़ा है, ये जादू नहीं है, क्योंकि वो जादूगर जादूगरी के एक्सपर्ट थे, उनको पता था कि जादू क्या होता है। क्योंकि जो रस्सियाँ उन्होंने फेंकी वो सबको सांप नजर आ रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम को, फिरौन को, पब्लिक को, सबको, लेकिन जादूगरों को वो सांप नहीं, रस्सियाँ नजर आ रही थी, क्योंकि उनको पता है कि ये जादू हम सब की आंखों पे कर सकते हैं, उनकी आंखों पर नहीं होगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सांप फेंका, जो आसा फेंका लकड़ी, वो सांप बन गया, वो जादूगरों को भी सांप नजर आने लगा। तो वो समझ गए थे हमारी आंखों पे तो ये जादू हो नहीं सकता है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया कि ये जादू नहीं, अल्लाह की तरफ से निशानी है, और सब ईमान लाए। और कितना पक्का ईमान लाए। फिरौन नाराज हुआ, कहा कि तुम सब मिले हुए प्लान करके आए हो मेरे सामने, ताकि जादूगर डर जाए, वापस आ जाए। क्या कहने लगा, मैं तुम्हारा एक हाथ और एक पैर कटवा दूंगा अपोजिट साइड से, और तुम्हारे जिस्मों को शहरों में लटका डालूंगा, मरने तक छोड़ दूंगा। जादूगर क्या कहने लगे, अब तू चाहे जो भी कर ले, हमें जान से भी मार दे तो चलेगा, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम ईमान में दाखिल हो चुके हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मान चुके हैं, अब तू हमें कत्ल कर दे, जला दे, काट दे, कुछ भी कर दे, हम ईमान पे से हटने वाले नहीं हैं। कितना पक्का ईमान था उनका, उस निशानी को कितना अच्छे से उन्होंने समझा। वैसे ही आज के दौर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंस को पढ़ते हैं, वो कुरान को पढ़े। कुरान में 1000 से भी ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें बताई गई हैं, जो आज एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आज जो एक्सपोज हो रहा है साइंस, 1450 ईयर्स पहले कुरान ने उसको बताया है। बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक दो यहाँ पर भी आएंगी इंशाल्लाह, मैं आपको बताता हूँ। फहशर फनादा, बस इसने इकट्ठा किया लोगों को, और वो जादूगरों को जो बात चल रही थी ऊपर मैंने बताया आपको। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, बस इसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूँ, सबसे बड़ा रब, गॉड, क्रिएटर गॉड मैं हूँ। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो अल्लाह ताला ने इसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें इस शख्स के लिए यकीनन बड़ी इबरत है जो अल्लाह से डरता है, सीख है, निशानी है उन लोगों के लिए जो दिल में डर रखते हैं, जो सच को जानना चाहते हैं। वरना बहुत सारे लोग उसको एज ए स्टोरी सुनकर छोड़ देते हैं, लेकिन जिनके दिल में डर है, जो जानना चाहते हैं उनका रब कौन है, अल्लाह कौन है, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और इसको समझते हैं, और इस निशानियों से, फिरौन की इस मिसाल से वो समझते हैं। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या पैदा करने में तुम में से ज़्यादा मुश्किल वो है, क्या पैदा करने में तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल थी, तुम्हारे लिए तुमको पैदा करने में ज़्यादा मुश्किल थी, या आसमान को जो इसने बनाया है। पहले हम अपने ऊपर वाले टॉपिक की तरफ आते हैं। फिरौन जब नहीं माना, एक के बाद एक निशानी मूसा अलैहिस्सलाम दिखाते गए, वो इनकार करते गया, जुल्म ज़्यादती बढ़ाते गया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को जो उनके ऊपर ईमान लाए थे उनको लेकर वहाँ से निकले, दरिया पार किया, बीच में दरिया आ गया, अपने साथियों को साथ लेकर चले, पीछे से फिरौन था, पीछे लश्कर, सामने दरिया। क्या करते, अल्लाह के हुक्म से लकड़ी को ज़मीन पे मारा, दरिया के जो है 2 हिस्से हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उसमें से निकल गए, और जब फिरौन उनका पीछा करने लगा अपने फ़ौज के साथ, अल्लाह ने दरिया को मिला दिया, और फिरौन उसमें डूब कर गर्क हो गया, मर गया। फिरौन जब डूब गया, जब मर गया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उसको निशानी बना दिया। और आप जानते होंगे मिस्र के, इजिप्ट के म्यूज़ियम में आज भी उस फिरौन की लाश, उसकी डेड बॉडी आज तक रखी हुई है। आप सोचिए 1200 BC से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से, जीसस जो है जीसस क्राइस्ट, उनसे 1200 ईयर्स पहले, और उसके बाद अब कितना सेंचुरी चल रहा है, 2022, इसको एसी कहते हैं, आफ्टर क्राइस्ट, जीसस प्रोफेट के बाद की जो ईयर है वो हो गए कितने, 2200। तो 2022 साल ये, और वो आप 1200 उसमें जोड़ दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे 3000, 3500 साल तक उसकी बॉडी आज तक है, जो कि इम्पॉसिबल है कि आज तक कोई बॉडी इतनी पुरानी नहीं रही। एक ही एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के अंदर, इजिप्ट के मिस्र में आज भी है, आप इंटरनेट पर यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप डालिए यूट्यूब पे बॉडी ऑफ द फिरौन, उसमें आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे, गूगल पे डालिए। तो आज तक उसकी बॉडी को अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उसको निशानी बना दिया। अल्लाह ताला ने निशानी बनाया मतलब इबरत, क़यामत तक जब तक वो वहाँ पर है लोगों के लोग आते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे कि वही फ़िरौन है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की थी। आज भी वो म्यूज़ियम में है, लेकिन कौन इससे इबरत हासिल करते हैं, कौन इससे सीख हासिल करते हैं? जो अपने अंदर अल्लाह का डर रखते हैं, अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करते हैं और उसकी बातों पर अमल करते हैं। ये लोगों के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ी इबरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर आगे फरमाया अंतुम अशद्द खल्कन अम अस्समाउ बनाहा, क्या तुम्हें पैदा करना अल्लाह ताला के लिए आसान है या इस आसमान को, इस यूनिवर्स को? आप देखिए, साइंस बोलती है कि बिलियंस ऑफ जो है ईयर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितनी ज़्यादा है। 30 लाख एक सेकेंड में ट्रैवल करती है लाइट, उसकी जो स्पीड है। उस स्पीड से हम जाएंगे तो बिलियन ईयर्स भी कम लगेंगे, तब भी ये यूनिवर्स का एंड नहीं होगा, नासा बोलता है। तो इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, क्या वो आसान है बनाना या इंसान को? तो अल्लाह बोल रहा है तुम क्यों यकीन नहीं करते कि मरने के बाद फिर से तुमको हम नहीं बना सकते? हमारे लिए बड़ा आसान है, इतना बड़ा यूनिवर्स हमने बनाया है, जिसको मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट आज कहा जाता है। रफ़अ समकहा फसव्वाहा, किसकी छत को बुलंद किया फिर इसे बराबर किया, यानी आसमान को इतना बुलंद, इतना ऊंचा किया है, इसका एंड आज तक तुम लोग पता नहीं कर सके। अल्लाह ताला यहाँ पर निशानी बता रहा है, देखिए इंसान मालूम नहीं कर सका। वह अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, इसने रात को तारीक डार्क बनाया, छुपा दिया और दिन को रोशनी की तरह जाहिर किया। हम जानते हैं कि रात जब आती है सूरज चला जाता है, रोशनी जब नहीं होती है, हम देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस आते हैं इस दुनिया के अंदर। इवन आपका छोटा सा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हॉर्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं, नींद आने लगती है, सुस्ती आती है, लाइट का इफ़ेक्ट, लाइट नहीं है नींद आना शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाता है पेड़ पौधों में। निशानी अल्लाह की है, गौर करें आप इस पर, सोचे रात और दिन में। फोटोसिंथेसिस रात में नहीं है, पेड़ पौधे भी आराम है, इंसान को नींद आ रही है, हॉर्मोन्स का चेंजेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस, रात आ गई, रोशनी नहीं आ रही आंखों पे, चेंजेस। कोई कौम पूरी रात काम नहीं कर सकती, एक पूरी ज़िंदगी। कुछ रातें कर सकते हैं जाग कर, हमेशा नहीं कर सकते। बहुत सारे जो आप देखेंगे ज़मीन के ऊपर चेंजेस आते हैं, एनिमल्स अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात का आप देखिए, चीज़ें नज़र नहीं आती हैं अंधेरे में, तो रोशनी का देखिए आप इफ़ेक्ट। दिन आता है तो सारी चीज़ें रोशन होती है, नज़र आने लगती है, इंसान फ्रेश फील करता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। और भी निशानियाँ, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अनगिनत दिन और रात में अल्लाह की निशानियाँ हैं। वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, और इसने ज़मीन को बिछा दिया। हम जानते हैं कि ज़मीन किस तरह बनी है, हम ज़मीन देखते हैं ना, स्फेयर की तरह है, नीचे एकदम हॉट बॉडी, अंदर लावा जिसको हम कहते हैं, उस पर समंदर है, उसके ऊपर ज़मीन की लेयर है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने ज़मीन को बिछाया है। देखिए ज़मीन फर्श की तरह बिछी हुई है, जिस पर हम चलते हैं उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है, हिलती डुलती नहीं है। फिर आगे फरमाया, और एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ दहाहा जो लफ्ज़ है ना अरबिक में, कुछ स्कॉलर्स ने इसको ये भी कहा है कि दहाहा वर्ड जो है अरबिक में ऑस्ट्रिच एग, शितरमुर्ग के अंडे के लिए भी इस्तेमाल होता है दहाहा। और शितरमुर्ग का अंडा आप देखेंगे वो इस तरह से होता है, बल्ज, ऊपर से दबा हुआ, इधर से फैला हुआ, एग्जैक्टली जैसे दुनिया का जो है आकार है, जो दुनिया का शेप है, वो बिल्कुल उसी तरह होता है शितरमुर्ग का अंडा। तो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया। वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, हमने दहाहा की तरह ज़मीन को बनाया। एक मीनिंग इसका ये भी निकलता है जो एग्जैक्टली मैच होता है ऑस्ट्रिच एग से। तो अल्लाह की एक निशानी ये भी है, गौर करें हम। अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा, इससे इसका पानी और इसका चारा निकाला। ज़मीन के अंदर ये खूबी है, उसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे जो मिट्टी में फॉस्फोरस है, सल्फेट्स है, इनकी ख़ास बात है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये बीज में से पेड़ पौधे उगाने की सलाहियत, ताकत रखते हैं। ये अल्लाह ने उसको दिया है कि जब पानी पड़ता है तो उसमें से फसल निकलती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें से हमने पानी बरसाया और चारा निकाला, पानी बरसाकर चारा यानी जो जानवर खाते हम देखते हैं। वलजिबाल अरसाहा, और पहाड़ इसने गाड़ दिए। लफ्ज़ देखिए कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया, पहाड़ बनाए नहीं कहा अल्लाह ताला ने, पहाड़ गाड़ दिए। और अगर आप माउंटेन्स का स्टडी करेंगे, नेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे पहाड़ जो है रखे हुए नहीं है, बल्कि पहाड़ की जो ऊपर का जो टिप है वो 10% होता है, उसका 90% नीचे गड़ा हुआ है। मतलब पहाड़ जब बनते हैं तो पहाड़ का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ जाता है जब प्लेट सरकते हैं तो, और ऊपर थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो एकदम वो गाड़े हुए कील की तरह, जैसा कील जमीन में गाड़ दें, आप ठोक दें हैमरिंग करके उसको जमीन में गाड़ दें तो किस तरह कील नजर आता है, कीला। तो वैसे ही वो गड़े हुए हैं पहाड़। इससे पहले कौन जानता था आज से 100 ईयर्स पहले के पहाड़ गड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अरसाहा, मेखे। मेखे किसको कहते हैं? टेंट के लिए जो हम कील ठोकते हैं ना टेंट बनाने के लिए, तो किस तरह उसको गाड़ा जाता है ज़मीन में। तो कहा पहाड़ भी वैसे ही है, उसके नीचे बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। आइसबर्ग्स को भी आप देख सकते हैं, जो पानी के ऊपर दिखते हैं आपको आइसबर्ग, ऊपर छोटे से होते हैं, नीचे में बहुत हैवी होते हैं वो, इससे तो इसीलिए तो उससे टकराने से जहाज टूट जाते हैं। तो पहाड़ों का मेजर पार्ट नीचे की तरफ होता है। तो कुरान ने बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल किया अरसाहा, हमने उसको गाड़ा है, बनाया नहीं कहा। मचालकुम वली अन्यामिकुम, तुम्हारे और तुम्हारे चौपाओं की जिंदगी का सामान है ज़मीन के ऊपर, यानी चारा वगैरह तुम्हारे लिए, तुम सब्जियां इसमें उगाते हो, जानवरों के लिए चारा जो है उगाते हो, जिससे पहले तो गुजर चुका है। फ़इज़ा जाअतित्तामतुल कुब्रा, फिर जब वो हर चीज़ को छुपाने वाली या उस पर छा जाने वाली सबसे बड़ी मुसीबत आएंगी, यानी तामा। तामा कहते हैं जो हर चीज़ को छुपा दे, यानी जब क़यामत आ जाएगी सब ख़त्म कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा, और ये इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि हिसाब व किताब का दिन शुरू होने वाला है। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन इंसान याद करेगा जो इसने कोशिश की थी, जो अच्छी कोशिशें की, बुरी कोशिशें की, अब वो याद करेगा अब, क्योंकि उसको पता है अब हिसाब किताब शुरू होने वाला है। वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम इस शख्स के लिए जाहिर कर दी जाएगी जो देखता होगा। सूरह शुरा की आयत नंबर 90 और 91 में भी अल्लाह ताला ने इस बात को कहा, वज़लिफ़तिल जन्नतुल मुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीमुल लग़वीन, कि उस दिन मुत्तकी परहेजगार अल्लाह से डरने वाले नेक लोगों के सामने जन्नत दिखा दी जाएगी, और बुरे और गुनहगार लोगों के सामने जहन्नम बता दी जाएगी। क़यामत के वक्त जब लोग जमा हो गए ना मैदान में, वहीं उनको रिजल्ट बता दिया जाएगा, करीब ला दी जाएगी जन्नत उन लोगों के लिए जो अच्छे लोग थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, नेक काम करते थे, और जहन्नम बता दी जाएगी काफिरों को जो इनकार करने वाले थे, बुरे काम करने वाले थे। फ़अम्मा मन तग़ा, बस लेकिन जो हद से आगे बढ़ गया, मतलब इतनी सारी बातें सुना, फ़िरौन का वाक़या सुना, अल्लाह की निशानियों के बारे में सुना, मलकल मौत के बारे में सुना, रूह निकलने वाली है, लेकिन फिर भी हद से बढ़ गया। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के इनकारी है, अल्लाह का पैगाम मैसेज आने के बाद भी नहीं मानते और हद से आगे बढ़ जाते गुनाहों में और इनकार करने में। वह आसर अलहयात दुनिया, और जिस दुनिया की ज़िंदगी को उसने तरजीह दी, प्रायोरिटी दी कि दुनिया की ज़िंदगी सब है, इस्लाम से दूर, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह का इनकारी, फिर साथ ही साथ अल्लाह के ऑर्डर्स को नहीं मानता, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारता है और सोचता है कि दुनिया है, बस इसको कमा लूँ, इतना कमा लूँ, इसके लिए दीन छोड़ना पड़े तो चलेगा, बस इतना कुछ कर लूँ, इतना कुछ भाग दौड़ कर लूँ, इतना घर और मकान। ये चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया और जिन चीज़ों से मना किया, इन सब को भुलाकर इसमें जो लग जाता है ये उसके बारे में कि वह आखिर हयात दुनिया, और इसने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो बेशक जहन्नम इसका ठिकाना है, कन्फर्म जहन्नम, नर्क में जाएगा वो। वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, और रहा वो जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और इसने नफ्स को ख्वाहिशों से रोके रखा, यानी जो इबादत के लिए जब खड़ा होता है तो अल्लाह का डर दिल में रखता है। या इसका मुराद एक भी ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कोई भी काम करने से पहले वो डरता है कि ये मेरे रब ने मना किया है, ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है, या इबादत में जब खड़ा होता है तो अल्लाह के सामने डरता है कि जो गुनाह उसने किए अब उसके लिए माफ़ी दी जाए, उसकी तौबा कबूल की जाए, और अपने नफ्स को, अपने इनर इनसाइड को उसने क्या किया, अपनी ख्वाहिशात को रोके रखा। दुनिया की रंगीनियाँ, बुराइयाँ, शराब, लड़कियाँ, जुआ, पैसा, हराम तरीक़े, गलत तरीक़े, दुनिया के ऐश व आराम, नाच गाने, दुनिया की रंगीनियाँ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो अपने आप को उससे बचा कर रखता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसे लोगों का ठिकाना, इनका जो पोजीशन जो है जन्नत है। ये लोग जन्नत में, पैराडाइज में दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जो कुर्बानियाँ दी, सारे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये बचा रहा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, माहौल में, मोहल्ले में, बाज़ारों में सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह के डर से इन चीज़ों से रुक गया कि नहीं, ये गलत है, मेरे रब का हुक्म नहीं है। तो ये कहा इसका ठिकाना जन्नत है, इसने जन्नत इसका ठिकाना है क्योंकि इसने सब्र किया है, तो इसका बदला उसको तो मिलने वाला है। यस्अलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, और तुझे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि क़यामत कब आएंगी। लोग आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्रॉफिट मोहम्मद से पूछते क़यामत कब आएंगी। फ़ीमा अंता मिन ज़िक्राहा, इसके ज़िक्र से तुझे क्या मतलब, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए लोगों को मैसेज दे रहा है कि तुम्हें इससे क्या है कि क़यामत कब आएंगी, तुम अपने काम करते जाओ, अच्छे काम, बुरे चीज़ों से रुकते जाओ। इला रब्बिका मुंतहाहा, ये तो तेरे रब की तरफ ही इल्म है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है क़यामत कब आएगी, कोई नहीं बता सकता है कि क़यामत कब आने वाली है। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया गया, सिर्फ निशानियाँ बता दी गई कि क़यामत से पहले क्या क्या होगा। इन्नमा अंत मुज़िरु मन यख्शाहा, तू तो सिर्फ इसे डराने वाला है जो इससे डरता है। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या मैसेज दिया, आप सिर्फ लोगों को डरा दे इस क़यामत से, इसके बारे में बस आपका काम इतना ही है। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, गोया वो जिस दिन इसे देखेंगे वो दुनिया में नहीं ठहरे मगर दिन का एक हिस्सा या कुछ हिस्सा। जब वो क़यामत को देख लेंगे, उसकी हौलनाक, इतनी डेंजर, इतनी ख़तरनाक जो माहौल देखेंगे, ज़मीन पूरी हिला दी गई, आग ही आग हर तरफ से, सूरज करीब आ चुका है, और इसके बाद जो ज़िंदगी है वो फना नहीं होने वाली, ख़त्म होने वाली नहीं है। जन्नत, पैराडाइस, ये जहन्नम, नर्क, हेल। तो वो सोचेंगे दुनिया में जो वक्त उन्होंने गुजारा है वो शायद दिन का कुछ हिस्सा या उससे भी कम, एक दिन या आधा दिन भी दुनिया में रहे हो। और ये बात को हम खुद भी जो है तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की जो पिछले साल गुजरे, आप देखिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, जिसके जितने गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी के, आपको लगेगा अरे वक्त कैसे जा रहा है, कितने साल हो गए पता ही नहीं चले, ऐसा लगता है अभी वक्त गुजरा है। मरने के बाद जब उठाया जाएगा तो इंसान कहेगा मैं तो दुनिया में एक दिन जिंदा रहा या आधा दिन, मतलब उसको अफसोस होगा कि उतना जो वक्त उसको मिला था उसने सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब सो कुरान को पढ़ने, समझने, उसके मैसेज को समझने, उस पर अमल करने, प्रैक्टिस करने और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम यहाँ पर इस सूरे को जो है मुकम्मल कर चुके हैं, सूरे नाज़ियात। इंशाल्लाह ताला इसके पहले वाला सूरा, सूरे नबा, इसके बाद इसकी जो है तफसीर हम इंशाल्लाह ताला जो है सीखेंगे, और अल्लाह ताला ने उसमें क्या पैगाम दिया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।